गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन क्लास सिक्स ज्योग्राफी, दैट इज चैप्टर सिक्स, मेजर रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम लोग अर्थ के सभी मेजर रिलीफ फीचर्स को, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, इन सब को डिस्कस करेंगे। कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इनके फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इन सबको इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कैसे जो लैंडफॉर्म्स है अर्थ का, उनका मतलब क्या है, कितने तरह के मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं, एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ सच लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स, एंड व्हाट आर देयर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब है दुनिया में जो दूसरी कंट्रीज है वहाँ पर कैसे लैंडफॉर्म दिखते हैं और उनके मेजर टाइप्स क्या हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो लैंडफॉर्म्स एंड देयर फॉर्मेशन, एज वी नो दैट अर्थ सरफेस इज अनइवन इन शेप। हमको पता है जो अर्थ का सरफेस है वो अनइवन है साइज में, एलिवेशन में। एलिवेशन का मतलब है जो अर्थ के प्लेसेस है उनकी जो हाइट है, जब उसको कंपेयर करते हैं हम सी लेवल से, तो वो अलग अलग होती है, जिसकी वजह से किसी प्लेस का टेम्परेचर, उस प्लेस का नेचुरल वेजिटेशन, ये सब भी डिफरेंस होता है। दिस वेरिएशंस इन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर रेफर्ड टू एज रिलीफ फीचर्स। ये जो वेरिएशन है, ये जो अलग अलग आपको एलिवेशन, साइज, शेप है, इसी को हम रिलीफ फीचर्स बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर हाइट अबव सी लेवल एंड शेप, दे मे बी क्लासिफाइड एज माउंटेन्स, हिल्स, प्लेटूज और प्लेन्स। इनके हाइट और इनके फॉर्मेशन के डिफरेंस के आधार पर इनको माउंटेन, हिल्स, प्लेटूज या प्लेन्स के रूप में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑल्दो दीज सीम्स टू बी परमानेंट, बट दे आर कंटिन्यूली अंडरगोइंग चेंजेस। ऐसा देखने को लगता है तो है कि ये परमानेंट है, बट स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि इनमें भी चेंजेस होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि माउंट एवरेस्ट की हाइट अभी भी बढ़ रही है। इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग टू यू नो दैट माउंट एवरेस्ट की हाइट अभी भी बढ़ रही है। इट इज़ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, उसकी हाइट अभी भी बढ़ रही है। हाउ, तो इन्हीं सब चीज़ों को सीखना है इस चैप्टर में। एंड दे हैव सम ऑफ देम लाइक ग्लेशियर्स होते हैं, उनका मूवमेंट बहुत स्लो होता है, जो हमें पता नहीं चलता, लेकिन इनमें भी फॉर्मेशन और चेंजेस आते रहते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि इनका फॉर्मेशन हुआ क्या है, कैसे हुआ है। दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अर्थ्स मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ क्रस्टल प्लेट्स। कहने का मतलब है जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है वो बहुत सारे प्लेट्स के ऊपर बना हुआ है। स्टूडेंट, क्रस्ट क्या है, जो अर्थ का जो थीन आउटर पार्ट है, जस्ट लाइक द शेल ऑफ एन एग, वो बिल्कुल जो थीन, ये जो हमारा हिस्सा है जिसपे हम रहते हैं, हमारा नेचुरल वेजिटेशन, पेड़ पौधे, बिल्डिंग्स, ये सब माइनिंग एग्रीकल्चर करते हैं, ये हमारा क्रस्ट है। क्रस्ट का मतलब ही हुआ है जो बिल्कुल फ्रैगमेंटेड पार्ट है अर्थ का, जो माउंटेन्स के, रॉक्स के टूटने से बना है। इसके नीचे जानते हो बहुत सारे प्लेट्स हैं, दे आर ह्यूज प्लेट्स जो जिसके ऊपर हमारा क्रस्ट है। ये प्लेट्स क्या करते हैं, ये हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी एक दूसरे से दूर जाते हैं, कभी दूसरे के नज़दीक आते हैं। इनकी वजह से ही जो मूवमेंट होता है, इन मूवमेंट की वजह से ही बहुत सारे रिलीफ फीचर्स में चेंजेस आते हैं, बहुत सारे नए रिलीफ फीचर्स बनते हैं। अगर दो प्लेट्स हैं, इनको कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हम कह सकते हैं, अगर ये प्लेट्स आपस में टकरा गए तो इनके बीच का जो भी पार्टिकल्स है वो क्या होगा, ऊपर बेंड कर जाएगा ऐसे, और क्या बन जाएगा, हमारा माउंटेन्स बन जाएगा। अगर ये प्लेट्स एक दूसरे दूर चले गए तो बीच में क्या होगा, बहुत जो डिफरेंस है काफ़ी बढ़ जाएगा, तो इनके बीच में आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे आपको गहराई काफ़ी देखने को मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे रिलीफ फीचर्स इनकी वजह से ही बनते हैं। तो कहने का मतलब है हमारा जो अर्थ है, जो क्रस्ट है, वो बहुत सारे प्लेट्स बना है। ऐसे 7 मेजर प्लेट्स हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे माइनर प्लेट्स हैं, बट दे आर 7 मेजर प्लेट्स। और जो हमारा अर्थ का फॉर्मेशन है, जो हमारा इंडिया है, जो हिमालयाज है, इनका फॉर्मेशन भी इनकी वजह से ही हुआ है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि ये प्लेट्स आके मूव क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है इन प्लेट्स के नीचे जो मॉल्टेन रॉक्स हैं, जो मॉल्टेन रॉक्स हैं जिनको हम मैग्मा बोलते हैं, ठीक है,
ये जो मॉल्टन रॉक्स हैं, ये यहाँ पे जो आपकी हीट है बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको पता है कोई भी गर्म चीज़ दे ट्राई टू कम अपवर्ड। तो जहाँ भी इसे मौका मिलता है बाहर आने की कोशिश करती है, और इस हीट की वजह से ही क्या होता है कि यहाँ पर जो मूवमेंट है इन बड़े बड़े कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का होता है। ही बिकॉज ऑफ दिस हीट एंड प्रेशर एग्जर्टेड फ्रॉम इनसाइड द अर्थ देयर मॉल्टन रॉक्स, दिस इंटरनल फोर्सेज, ये जो इंटरनल फोर्सेज है अंदर की ओर जो फोर्सेज लग रही है उसको हम इंटरनल फोर्सेज बोलेंगे, दे लीड टू क्रम्पलिंग पुलिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द क्रस्टल रॉक्स। इसकी वजह से रॉक्स टूट जाते हैं, कहीं कहीं क्रम्पल कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। दे ऑल्सो रिजल्ट इन एलिवेटिंग, सिंकिंग और डिस्प्लेसिंग अ लार्ज और स्मॉल पोर्शन ऑफ द सर्फेस। इन्हीं की वजह से कहीं पर अर्थ के छोटे हिस्से देखने को मिलता है कि अर्थ का सरफेस एलिवेट हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, या फिर सिंक कर जाता है, या फिर डिस्प्लेस भी हो जाता है। अगर ये लैंडफॉर्म रेज कर गया, इट मे बी कॉल्ड प्लेटू और माउंटेन्स, और अगर वो डिप्रेशन बन गया, उसमें गहराई काफ़ी आ गई, तो इन फ्यूचर इट मे बिकम अ लेक जहाँ पे वाटर जमा हो सकता है। तो इसी की वजह से मूविंग आइस, रिवर्स, विंड, रेन एंड सी, ये सब जो हैं दीज आर द फैक्टर्स जो अर्थ के रिलीफ फीचर्स को भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इन्हीं को बोलते हैं दीज आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। आई एम राइटिंग हियर एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। ये क्या करते हैं, ये अर्थ सरफेस को हमेशा अफेक्ट करते रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लैंडफॉर्म्स एंड देयर फॉर्मेशन। अभी आपका होमवर्क ये है कि आपको पता करना है कि जो हमारा क्रस्ट है उसके नीचे कैसे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होते हैं, वो कैसे मूव करते हैं, और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है अर्थ पे। थैंक यू।